नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। रामपुर से खबर है जहां किसान यूनियन के बैनर तले पीड़ित परिवार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मानवर कांसिया आवास पहाड़ी गेट की रहने वाली गुलफिजा पत्नी मोहम्मद यूसुफ के प्रसव के लिए बेरियान की स्थिति UP-22 अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसे उसको रामपुर दुराहा स्थित फुटान हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। वहां पर उसका ऑपरेशन किए तो पुत्र हुआ, लेकिन उसके कई जगह लंबे लंबे चीरे लगाए गए, जिससे परिवार को शक हुआ कि कहीं वह सब मानव अंगों की तस्करी के लिए तो नहीं किया गया है, क्योंकि प्रसव के लिए पेट में छोटा चीरा लगाया जाता है, इस तरह सिरे तक चीरा नहीं लगाया जाता। एक माह बीतने के बाद जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो परिवार उसको लेकर जिला महिला चिकित्सालय गया, वहां से उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा, सुमान अली लाल, मोहम्मद शाकिर खान, गुलसभा गुलशन साचिया, सदाब अरसलान, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। मामला यह है कि रामपुर जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी ये अवैध अस्पतालों का धंधा पूरी तरह से सक्रिय है। अभी एक बेरियान मोहल्ले में एक अस्पताल है UP-22 के नाम से, वहाँ से एक मरीज गुलफिजा पत्नी यूसुफ को मुरादाबाद रामपुर दोराहा स्थित एक अस्पताल में रेफर किया गया, जिसका नाम फोटोन हॉस्पिटल है। नाम बहुत बहुत हाई फाई रखे जाते हैं, मल्टी स्पेशलिस्टी ट्रामा सेंटर वगैरह, इस तरह के नाम रख के लोगों को गुमराह किया जाता है। तो फोटोन अस्पताल में जब उसको मरीज का जाके वहाँ पर प्रसव का मामला था, तो वहाँ पर जाके जब उसका ऑपरेशन किया गया तो जो प्रसव का एक ऑपरेशन यहाँ पर हल्का सा कट लगा कर, मतलब क्योंकि अभी महिला अस्पताल में वो मरीज है जिसको मतलब कहते हैं मुरादाबाद, वो मेरठ रेफर किया गया है, तो मेरठ रेफर लेकर जा रहा है उसको, तो उसमें बतलाया कि ये कट जो हैगा, ये कट तो मतलब कहते हैं उसके लिए है, प्रसव के लिए, बाकी उसका एक यहाँ से यहाँ तक चीरा लगाया हुआ है और एक यहाँ पर एक होल है, उससे साफ प्रतीत होता है कि मानव अंगों की तस्करी के इरादे से वो उसके मतलब चीरफाड़ की गई है। तो हमने CMO साहब से मुलाकात की और बताया कि इस तरह के जो भी वो हैं तो इसकी जाँच की जाए। तो उन्होंने कहा कि जो AD हेल्थ है मुरादाबाद में बैठते हैं, आप उनसे भी मुलाकात कर लीजिएगा। तो अब हम क्योंकि अभी मरीज की हालत बहुत सीरियस है, मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो अभी तो मरीज को मतलब कहते हैं मेरठ भेज रहे हैं, और उसके बाद में कल से अगर ये उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू नहीं की तो कल से हम यहाँ पर बेमियादी धरने पर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे, चाहे इनको भी बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मरीजों के जो इस तरह से पूरी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से ये सब धंधे चल रहे हैं, और जिला अस्पताल में भी क्या किया जाता है कि वो वहाँ पर जो स्टाफ है वो इन अवैध अस्पताल संचालकों से मिला जुली कर किए हुए हैं। वहाँ से वो बता देता है कि साहब आप मरीज़ को रेफ़र कर दो मुरादाबाद, जब वो मुरादाबाद रेफ़र करते हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस वालों को आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन लगी होती है, उनका भी यही काम है कि आप मुरादाबाद लेकर जाओगे, फला अस्पताल में लेकर जाओगे, सरकारी अस्पताल में ऐसी काम होता वैसा होता है, आप इससे फला अस्पताल बराबर में वहाँ पर ले चलिए। तो ये सब कमीशन के खेल में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और कोई दिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं जाता जो एक ना एक गर्भवती महिला की मौत नहीं होती। तो ये सब धंधे बंद होना चाहिए। अस्पताल में हमारे हर तरह की सुविधा है, वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो, और क्योंकि ये अस्पतालों में अगर इस तरह के धंधे बंद नहीं होंगे तो हम फिर अब धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।